गंदा वाला सिचुएशन है गुजरात में, होप सो मुंबई करने के लिए फाइन एंड गुड। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली अभी मैं नहा धो के आया, तो उसके पहले ना बहुत कुछ काम किया मैंने, बट वो मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज बेसिकली देखो दिया बत्ती की, एंड एक्चुअली आज मैं जल्दी उठा था, ओके मतलब 8:30 का उठा था, एक घंटा लेट ही था मैं वैसे भी, बट ठीक है जो भी है। अभी मुझे काम क्या करने है बताइए। देखो कुकर तो मैंने रख दिया है, बेसिकली चिकन भी आ गया है तो मुझे चिकन करना है, वहाँ का वो एरिया है वो क्लीन करना है जो अपन हर बार करते हैं, वो सारे काम तो कर दूंगा मैं, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। आपको पता है आजकल तो मैं प्रो हो गया सब चीज़ में, एंड कल बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी बट आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं फटफट काम कर रहा हूँ सो दैट आफ्टर वर्ड थोड़ा टाइम रेस्ट कर सकूँ। ओके फैमिली वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल, होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ऑलराइट गाइस, तो अभी थोड़े टाइम पहले ऐसा लग रहा था कि यार मतलब धूप आ जाएगी और ऐसा, तो अभी वापस से अंधेरा कर दिया है। देखो भाई बड़ा बड़ा भयानक प्रकोप है बारिश का अभी, आई गेस सो रायगढ़ पुणे मुंबई और ऐसे और 18 डिस्ट्रिक्ट में 16 या 17 तक स्कूल्स को छुट्टी दे दी है, बेसिकली बिकॉज ऑफ रेड जोन एंड पता नहीं कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से सबको छुट्टियाँ दी है बेसिकली। आप लोग बोल नहीं सकते क्या कभी हो जाए, बिकॉज बेसिकली दो बार साइक्लोन आके चला गया अलीबाग एंड मुंबई साइड में भी इफेक्ट हुआ था, गुजरात ऐसे कैसे जो कोस्टल एरिया है ना, जब अगर यहाँ पे तूफान आता है ना तो यहाँ से लेके ऐसे सब कोस्टल लाइन को लेके पकड़ के एंड तक जाता है, फिर वहाँ से दूसरे समुद्र में चला जाता है। सो बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज में सिटीज लगते हैं उतना सबको छुट्टी दी है, और बेसिकली कोस्टल एरियाज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है एंड उसके आजू बाजू के स्टेट्स में भी थोड़ा इफेक्ट होता है बेसिकली। तो वहाँ पे जहाँ पे मोस्ट हेवी सेंटीग्रेड में बारिश गिर रही है वहाँ पे भी छुट्टी दे दी है, पुणे जैसे पुणे एंड एवरीथिंग। ओके और भाई अपना मुंबई का निकल गया है गुजरात, और गुजरात में आया है फ्लड, गुजरात में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है ट्रेन की पटरियों में, मतलब तो पटरियाँ दिखी नहीं रही है, इतना पानी गया है, बहुत गंदा वाला सिचुएशन है गुजरात में। होप सो मुंबई करने के लिए फाइन एंड गुड, ओके होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। सबसे मेन चीज़ अभी जो बाकी के काम है मेरा, दिया बत्ती करके हो गया है, कुत्तों का राइस हो गया है, चिकन भी हो गया है, बेसिकली मतलब चिकन हो गया है, मतलब कल क्या था, कल मेरा जो बचा हुआ हम लोग का जो बचा हुआ चिकन था ना मेरा और पापा का, वही मैंने डाल दिया था, सफिशिएंट था, तो बेसिकली कल का चिकन है वो गरम करने रख दिया अभी मैं, वो हो जाएगा तो फिर उनको डाल दूंगा, 1 बजे चला जा, 1 बजे जाके अपना भी खाना लेके आएंगे। अरे चींटियां ने बहुत ज़्यादा परेशान किया यार, मतलब हर जगह चींटियां और चींटियां बस, और कुछ नहीं यार, क्या है क्या इतना घर में मिठास कहाँ पे है यार, बदल फ्लोर पे बदन पे चढ़ जाते हैं यार, मीट गुड़ लगा है क्या मैंने, या मेरा घर गुड़ का है यार, इतनी सारी चींटियां क्यों आ रही है एकदम से यार, अपने अपने घर में रहो मस्त, बारिश में क्यों बाहर निकल रहे हो यार, तुम तो यार मतलब दो दो तीन तीन साल का खाना एक ही बार सेव करते हो ना, बारिश में बाहर ना निकले इसकी वजह से, बारिश और ठंडी में, तो अभी क्यों निकल रहे हो राधा घर में। अभी देखते हैं क्या सीन होता है, बेसिकली अपना ब्लॉग तो अपलोडिंग के लिए डाल दिया था, लेकिन क्या है ना जो मेरा डेली डेटा रहता है ना उस पर इतना सुसाट फास्ट ऐसा अपलोड होता है ना, लेकिन बाकी का डेटा देखने जाओ ना तो फिर कछुए की तरह धीरे अपलोड होता है, और मेरे डेली डेटा पे फुल सुसाट। ओके बाद में मिलता हूँ फिर, ओके और एट गई, जैसे कि देख सकते हो मैं जाके खाना लेके आया, और देखो मेरे बालों कपड़ों का हाल पूरा भीग गया, यहाँ से पैंट तो पूरी ऐसा चिपक रही है, इतना इरिटेट होता है ना उसकी वजह से। सो अभी क्या करता हूँ मैं, मस्त बाल सुखा लेता हूँ, और बाल सुखाने के बाद मस्त कपड़े चेंज करता हूँ, सुबह पहले कपड़े चेंज करता हूँ उसके बाल सुखाऊंगा, तो देखो बाल अपने बहुत ज़्यादा बड़े हो गए बेसिकली आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत दिन के बाद अपने बाल बहुत बड़े हो गए। सो अभी क्या करता है, मस्त एक नंबर वाला कपड़े चेंज करके मस्त सूखे कपड़े मस्त पहन लेते हैं, और उसके बाद अपन बाल को सुखाएंगे। ओके तो सी यू आफ्टर दैट। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं, और मेरे जो बाल सेट नहीं किए थे अभी सेट वगैरह कर दिए मस्त करे, एक काम सिर्फ बाकी, सिर्फ एक काम ये चालू है, ये भरने का है, उसके बाद कुछ काम नहीं बाकी है, तो उसके बाद मैं एक मस्त नैप लेने वाला हूँ, बट उससे पहले आई एम गोइंग टू ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी, कॉज
बहुत मधुर है। और क्या बोलूँ गाइस, बारिश चाचा सुबह से बरस ही रहे है और रुक रहा है ना, तो भी ऐसा एकदम तप 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 एकदम से रुकी नहीं रहे। रेड जोन है, आप सबकी वाटी लगा दूंगा ऐसा की है भाई। मेरे को तो लगता है मुंबई पानी में चला जाएगा, ऐसा लग रहा है भाई, इतना बारिश हो रहा है, क्या मालूम अभी क्या होता है। और सबसे बड़ा सीन ये है ना कि कल मुझे कहीं जाना है, पेन जाना है गाड़ी पे। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी लेके पेन जाऊंगा बारिश बारिश, अगर मैं बाहर जाता हूँ तब पेन को जाता हूँ तो रास्ते में फाट 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 इतने ज़ोर से लगते हैं ना वो, और जो पेड़ से ऐसे बूंद गिरते हैं ना वो तो और ज़ोर से लगता है अगर स्पीड में हो तो। अभी देखते हैं कल अपना क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। फाइनली मेरा सारा काम हो गया है। ओके, जो थोड़े बहुत यूटेंसिल्स है तो वो भी मैंने घस दिए। अभी घसने के लिए रखेगा क्या, ये एक बर्तन रहेगा और जो डब्बे आएंगे जो अभी मैं लेके आऊँगा वो बचेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या सीन है। फिलहाल तो ठीक लग रहा हूँ अभी, मतलब सुबह जब मैं उठा था तब भी मुझे शिवरिंग हो रहा था, इसकी वजह से मैंने नहा धो के फ्रेश होने के बाद मैंने कैब हाथ पे लिया, तब तक मैंने लिया नहीं था। कल रात को बहुत बुखार, गंदा वाला बुखार आया था, पता नहीं मुझे बेसिकली मुझे तो ये लग रहा है कि ये रहेगा वायरल फ्लू, जो कि मेरे को लास्ट टाइम भी हुआ था। और बेसिकली ना मतलब हालत ख़राब हो जाती है यार, वायरल फ्लू वायरल भाई, चलो भाई मैं सोया एक तो। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा बाहर एक राउंड मार के तो थोड़ा फ्रेश फील करेगा, कॉज घर में सिर्फ घर में रहने से ना बहुत सफोकेटिंग लगता है। तो अभी क्या करता हूँ, बाहर जाता हूँ, थोड़ा एक राउंड मार के आता हूँ और उसके बाद फिर मिलते हैं, ठीक है। सो सी यू इन अ फ्यू मिनट्स। बेसिकली सीन ऐसा हुआ ना कि अभी थोड़े टाइम पहले ना मैं घर से बाहर निकला था, बाहर निकला तो सही लेकिन सीन ऐसा हुआ कि बारिश गिर रही थी इसलिए मैं क्या और माइक सेटअप पूरा लिया नहीं, इवन मैंने फ़ोन भी घर पे ही छोड़ के गया था बस चार्जिंग के लिए रखा था। ओके, सो देखो बाल वाल सेट किए करके मस्त गया था, अभी घर पे आया इसलिए बारिश के मौसम में बाल सेट ही नहीं करने का, जैसा है वैसा रखने का, मस्त जो होगा वो देखा जाएगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम में मेरे को अभी मामी का कॉल आएगा और फिर मैं घर पे जाके मामा के घर पे जाके मतलब वही तो वहाँ पे जाके अपना खाना लेके आऊँगा। ओके, सो अभी मेरे बर्तन वगैरह मस्त मैंने घिस दिए है, सब सब क्लीन हो गया है क्योंकि मुझे रात में जल्दी सोना है बेसिकली, उसकी वजह से मैंने सब काम जल्दी कर दिया आज। बेसिकली गाइस ये टी शर्ट वापस से चेंज इसलिए किया क्योंकि ये टी शर्ट मेरा नहीं है, ये पापा का है, ये कहाँ से लिया था पता नहीं, एकदम चिप क्वालिटी है, धोने के बाद एकदम सिकुड़ गया। ओके, इसलिए मेरे को एकदम फाइट हो रहा था, बट ये अपना टी शर्ट है तो ये बराबर से हो रहा है देखो। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और चार्ज होने देता हूँ बिकॉज बेसिकली रात को फिर चार्ज नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है अपना जितना ब्लॉग हुआ है उतना काफ़ी है आज के लिए, एंड रखते अभी इतने ब्लॉग को अगर अपने ब्लॉग को करते एंड बिकॉज मेरी बैटरी भी होने लगी है एंड। ऑलराइट गाइस, तो अभी मुझे लगता है जितना अपना ब्लॉग हुआ है उतना काफ़ी है आज के लिए, एंड ये देखो ये जो टी शर्ट मैंने वापस से चेंज कर दी, तो फोर टी शर्ट इन दी होल डे बिकॉज बेसिकली मैं चार बार हार गया था और चार बार भीगा उसकी वजह से। और यार गाइस सच्ची में ना मतलब कपड़े धोने के लिए ना फट जाती है, क्या फट जाती है अभी समझ जाओ, इतने यार छोटे भी नहीं हो और भोले भी नहीं हो तुम। ओके, सो बेसिकली मुझे शेव भी करना है बिकॉज बेसिकली मुझे आदत नहीं है सब चीज़ की। ओके, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो फॉर वॉट एवर रीजन मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो, एंड जो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो और कमेंट करके बताओ कि यार क्या पसंद नहीं आया क्या पसंद आया, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एज वेल एज माई यूट्यूब चैनल। ओके, एंड ब्लॉगिंग स्किल्स टू, एंड सी माई नेक्स्ट वीडियो, लेट्स स्टे हैप्पी स्टे सेफ, पीस आउट, चाबाई, टेक केयर, बाय।